नमस्ते, मैं अविचल दुबे। नवनीत राणा, महाराष्ट्र, हनुमान चालीसा और खूब सारा विवाद। दरअसल इस समय नवनीत राणा एक केंद्र में बनी हुई हैं। विवाद है हनुमान चालीसा को लेकर। बीते शनिवार को उन्होंने मातोश्री के आगे यानी कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया और उसके बाद मातोश्री के आगे खूब सारे शिव सैनिक खड़े हो गए। इसके साथ साथ नवनीत राणा के घर के सामने हो गए, नवनीत राणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इसके बाद नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर खूब सारी धाराएं लगाई गई और धारा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है धारा 124A यानी कि राजद्रोह की धारा। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर नवनीत राणा और इस पूरे मसले में चल क्या रहा है। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद 2019 में निर्दलीय सांसद चुनी गई। इससे पहले 2014 में जब उनको NCP ने टिकट दिया तो वो हार गई थी। वहीं उनके पति रवि राणा काफ़ी समय से MLA हैं, लेकिन उनका ये ऐलान जो है उन पर भारी पड़ गया। मुंबई सेशन कोर्ट में चल रही जमानत याचिका को 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि उनके साथ जेल में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखते हुए लिखा कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट होने की वजह से उन्हें जेल में पानी तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही वॉशरूम इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। इसके बाद जो है ओम बिरला भी हरकत में आए और उन्होंने MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जरिए महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर हो क्या रहा है, जो नवनीत राणा आरोप लगा रही हैं उसमें कितना बल है। दरअसल जो पूरी कहानी है अनुसूचित जाति वाले, उनके प्रमाण पत्र को लेकर भी विवाद है कि ये आखिर उन्होंने फर्जी तरीके से पाया है या ये सच में ही है। नवनीत राणा के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि उन्हें जेल में पानी तक नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, कारण उनकी कास्ट को लेकर वो तर्क दे रही हैं, जबकि पुलिस ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस के किसी अधिकारी ने इस पर अभी कोई बात नहीं की है। रवि राणा और नवनीत राणा पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो IPC की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 भी लगी है, यानी कि इसमें ही FIR दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी धारा जो मैंने आपको बताई 124A यानी कि राजद्रोह की धारा।